हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखिए, हम लोग मछली के अंडा का सब्जी बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल ही आप लोग इस तरह बनाएंगे तो सारे नॉन वेज भूल जाइएगा। देखिए, एक मछली का पूरा अंडा है, बड़ा मछली साइज का, इसमें हल्दी और नमक ऐड किए हैं। इसको अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं हम लोग। देखिए, मैं इसको अच्छी तरह से मिला रहा हूँ। देखिए, बिल्कुल ही अच्छी तरह से मिल चुका है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक दूंगा। देखिए, जब तक उसको 10 मिनट के लिए ढक दिए तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। देखिए, हम दो एक बड़ा साइज का प्याज लिए हैं और दो टमाटर लिए हैं, मिर्चा, पीला सरसों और अदरक और लहसुन लिए हैं। सबको एक मिक्सी का जार में डाल रहा हूँ। देखिए, सबको मिक्सी के जार में ऐड करके सबको मैं मिक्सी में पीस लेता हूँ। अब मैं इसको मिक्सी को पीस लिया हूँ। अब देखिए, मेरा 10 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें मिर्चा, प्याज का पेस्ट और कश्मीरी मेथी को ऐड कर रहा हूँ। और मैं इसमें करीब बेसन ऐड कर रहा हूँ, बड़ा साइज का 3 चम्मच। सभी को ऐड करके बिल्कुल मिला ले रहे हैं। देखिए, मिला लिए हैं। अब मैं इसको फ्राई कर रहा हूँ। मिला लिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल ही कढ़ाई में मैं इसको फ्राई कर ले रहा हूँ। फ्राई जब तक अच्छा से करना चाहिए, पूरा गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। देखिए, अब जितना लेगा उतने डालना चाहिए, ज़्यादा नहीं डालना चाहिए ताकि अच्छा से फ्राई हो। देखिए, एक साइड मेरा फ्राई हो चुका है। अब दूसरा साइड में मैं टर्न कर रहा हूँ ताकि दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। देखिए, बिल्कुल ही मेरा फ्राई होने ही वाला है। देखिए, मेरा फ्राई हो गया है। इसी तरह सबको करना है। देखिए, मैं हम लोग को पूरा फ्राई हो गया है। अब देखिए, मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। देखिए, अब कढ़ाई पूरा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों ऑयल ऐड कर करीब आपका मिट्ठू की मम्मी डाल रही है 3 चम्मच लीजिए। मैं इसमें तेज़पत्ता डाल रहा हूँ एगो, उसका प्याज डाल रहे हैं। प्याज को गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेना है। देखिए, मेरा प्याज बिल्कुल नहीं हो रहा है। थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि प्याज जल्दी गले। अब मैं इसमें देखिए टमाटर ऐड कर रहा हूँ। ठीक, मम्मी टमाटर ऐड कर रही है। मिल के बना रहे हैं हम लोग। मज़ा आता है फैमिली में मिल के बनाने से। आप लोग भी कभी मिल के बनाइए। गैस का फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम रखना है। टमाटर थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रहे हैं ताकि टमाटर का गहरा दोस्त नमक है जो घुल मिल जाता है जल्दी ही। अब मैं मसाला जो पेस्ट बनाए थे, मसाला पीस मसाला मिक्सर में, उसको मैं डाल रहा हूँ। देखिए, डाल दिए हैं। अब इसको एकदम मीडियम आंच में पूरा फ्राई करना है। ढक के ढकते जाना है, फिर फ्राई करना है, फिर ढकना है, फिर फ्राई करना है। अच्छी तरह से चलाते जाना है। अब इसमें ऐड कर रहे हैं, देखिए, धनिया पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच, मछली मसाला 1 चम्मच, गोलकी पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, 1.5 चम्मच डाल दिए हैं। नमक स्वाद अनुसार 1 चम्मच। सब्जी मसाला करीब 1 चम्मच ताकि वो टेस्ट बढ़ा दे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच कलर के लिए, कलर अच्छा दिखेगा बोल के लिए। अब सबको मिला के मैं अच्छे आप लोग अच्छी तरह से फ्राई कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए, एकदम मीडियम आंच में एकदम इसको ढक ढक के फ्राई करना है ताकि पूरा एकदम मसाला, जब इतना देर तक फ्राई करना है जब तक कि मसाला तेल ना छोड़े। देखिए, मसाला बहुत ही अच्छा दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल ही मसाला को करीब करीब एकदम मीडियम आंच में करीब करीब अपना 5 से 10 मिनट तक फ्राई करना चाहिए। देखिए, बिल्कुल ही तेल छोड़ रहा है। देखिए, मेरा तेल निकल रहा है मसाला से बिल्कुल ही। देखिए, अब इसमें पानी ऐड करते हैं। देखिए, पानी 1.5 गिलास डाले हैं।
अब गैस का फ्लेम को हाई कर सकते हैं, देखिए वो पूरा एकदम उबल है। अब मैं इसमें वो फ्राई किया हुआ मछली का अंडा को डाल रहे हैं, देखिए मछली फ्राई किया हुआ मछली का अंडा को डाल दिए हैं ताकि फिर एकदम पूरा वो उबलने देना चाहिए ताकि पूरा मछली का अंडा में पूरा एकदम मसाला घुस जाए, नमक भी घुस जाए। नमक तो पहले भी डाले थे, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। आप लोग भी कभी घर में बनाइए। अब इस मेथी का पत्ता ऐड कर रहे हैं, देखिए अब हम लोग का बिल्कुल ही मछली का अंडा का सब्जी बन के तैयार है। अब इसको हम लोग प्लेट में सर्व कर रहे हैं, और प्लेट में सर्व करने के बाद आप लोग रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ हिसाब से, अपने चॉइस के हिसाब से, जिस हिसाब से खा सकते हैं आप लोग जिसके साथ खाइए। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अगर यदि मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल ही सब्सक्राइब कीजिएगा, लाल बटन को दबाइएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।